दोस्तों इस वीडियो का मकसद किसी को टारगेट करना या किसी को गलत साबित करना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको सच्चाई से रूबरू कराना है जिससे आप गलतियों से बच सकें। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। दोस्तों इस थंबनेल को देखिए जिसमें लिखा है 2 मिनट में 100 सब्सक्राइबर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स 1 घंटे में, जिस पर व्यूज 140,000 है। फिर मैं इनके चैनल पे गया जहाँ पे मैं देखता हूँ कि हर 5वीं 6वीं वीडियो इसी टॉपिक पर है। फिर इनकी ये वीडियो देखने के बाद मेरे मन में भी लालच आ गया। फिर मैंने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और वही किया जो इस वीडियो में बताया गया, क्योंकि अगर 1 घंटे में 1000 सब्सक्राइबर्स हो रहे तो कौन नहीं करना चाहेगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसके बाद YouTube ने मेरे साथ क्या किया ये सब भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना जिससे आप ये गलती ना करें। तो चलिए पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज की इस वीडियो में आपको जो तरीका बताने वाला हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाने का, और इस तरीके से सिर्फ 1 दिन के भीतर आप अपने चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे इन्होंने क्या बताया। तो यहाँ पर आपको अपने चैनल का लिंक कॉपी करना है क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है इसके कमेंट सेक्शन पर। यहाँ पर कमेंट सेक्शन पर जाना है, बस यहाँ पर आपको उस लिंक को पेस्ट करना है इस प्रकार से और सेंड कर देना है। यहाँ पर इस प्रकार से सेंड कर देना है लिंक, बस आपको सेंड करना है, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने अपने चैनल के लिंक को कॉपी किया, इसके बाद मैंने टेलीग्राम ऐप को ओपन किया और इनके ग्रुप को ज्वाइन किया, और जितने भी ऑनलाइन इनके ग्रुप में थे सबको मैंने अपने चैनल के लिंक को सेंड कर दिया। दोस्तों अब थोड़ी देर बाद मुझे भी मैसेज आने लगे थे, तो मेरी खुशी बिल्कुल साथ में आसमान में थी। पैसा ही पैसा हो गया। दोस्तों मैसेज करते करते मुझे 5 से 6 घंटे हो चुके थे, फिर एक मैसेज आया, सॉरी यू कैन ओनली सेंड मैसेज टू म्यूचुअल कॉन्टेक्ट एट द मोमेंट। अब मुझे लगा ये क्या हो गया, क्योंकि ये मैसेज आने के बाद में मैं किसी को अपने चैनल के लिंक को शेयर नहीं कर सकता था। दोस्तों इसके बाद जब मैं अपने मोबाइल को 1 घंटे बाद चेक करता हूँ तो वहाँ पे 26 सब्सक्राइबर्स दिखा रहे थे। अब मैं हर मिनट और हर घंटे बाद अपने मोबाइल को चेक करने लगा, लेकिन वहाँ पे 26 सब्सक्राइबर अभी भी थे। दोस्तों अगले दिन शाम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं शाम को 8 बजे अपने मोबाइल को चेक करता हूँ तो वहाँ पे 26 सब्सक्राइबर्स ही रिमूव हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स कैसे गायब हो गए। दोस्तों इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है 26 सब्सक्राइबर्स एक साथ कैसे रिमूव हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि ये 26 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब ने रिमूव किए, तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। दोस्तों शुरुआत में हमारे पास में सब्सक्राइबर्स बहुत कम होते हैं। मान लो जैसे आपके पास में कोई बंजर जमीन है और दूसरे दिन जब आप उसे देखने जाते हो तो उसमें पेड़ पौधे नजर आते हैं आपको। तो दोस्तों आप बताओ कि आपको आश्चर्य होगा या नहीं। उसी तरीके यूट्यूब को भी लगता है कि इस चैनल पे अचानक से सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ने लगे। फिर यूट्यूब आपके चैनल को डिटेल में चेक करता है, चेक करने पर उसे पता चलता है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स ये बड़े हैं ये सब फर्जी हैं, क्योंकि इन्होंने आपके YouTube चैनल के किसी भी वीडियो को नहीं देखा होता है और ये डायरेक्ट आके आपके चैनल पे आके सब्सक्राइब करके चले जाते हैं, जिससे YouTube को पता चल जाता है कि ये थर्ड पार्टी द्वारा किया जा रहा है। तभी फिर YouTube उन सभी सब्सक्राइबर्स को आपके चैनल से रिमूव कर देता है। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके बाद आपके चैनल पे 2-3 नुकसान और होते हैं। दोस्तों पहली बात कि YouTube इसके बाद आपके चैनल पे कड़ी नजर रखने लगता है। नंबर 2, YouTube आपके वीडियोस को प्रमोट करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपके वीडियोस पे फिर से 9-10 व्यूज आने लगते हैं। और इन सबसे बड़ा जो नुकसान होता है आपका वो ये होता है कि आप इन सबसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे आप वीडियोस में क्वालिटी भी नहीं दे पाते हैं और वीडियोस बनाना भी कम कर देते हैं। दोस्तों लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इन सबसे बच के रहिए, मेहनत कीजिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों जो चीज आसानी से मिल जाती है वो हमेशा नहीं रहती, और हमेशा रहने वाली चीज आसानी से नहीं मिलती। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपके कमेंट्स के जवाब देने की। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय।